मैं बात कर रहा हूं अपना एक बहुत प्यारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट। चलिए देखते हैं ये किस पे बेसिस है। हाइब्रिडाइजेशंस, वीबीटी थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स को देखते हुए सब पे ध्यान दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्पीशीज मॉलिक्यूल इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम पे आपको मैक्सिमम लोन पेयर किस में दिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें तो सेंट्रल एटम का पता कैसे लगेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा वैलेंसी होगी, और सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी होती है, क्लोरीन की। तो ये सेंट्रल एटम होगा हमारा Cl, जितने भी ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से, एफ सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, और क्योंकि क्लोरीन पे माइनस है इसका मतलब अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ, वैसे सात होते हैं, तो आठ में से कितने गए, छह, तो एक लोन पेयर है। तो बताइए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, तो कितने मिलेंगे आपको लोन पेयर यहाँ पर, एक, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए Cl OF2, क्लोरीन के पास इस समय कितने इलेक्ट्रॉन है, वैसे सात होते हैं लेकिन अब कितने हो गए, छह, सिक्स होने के बाद डबल बॉन्ड O, F, F, दो F यहां गए और एक लोन पेयर, तो अभी भी आपके पास एक लोन पेयर है यहाँ पर। बोरोन पे माइनस का मतलब वो क्या बन गया है, कार्बन, कितने लोन पेयर होंगे, जीरो। तो हमारे लिए अभी तक तो ए और बी में एक एक है और सी में जीरो। जीनोन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जीनोन में, चार, बिल्कुल सही है, कितने होते हैं, आठ इलेक्ट्रॉन, लेकिन आठ में से दो ऑक्सीजन को गए, एक फ्लोरीन को, एक फ्लोरीन को, तो बाकी के बचे चार इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने होंगे इसमें, दो, तो 1 1 0 2, तो आंसर गोज टू, देन आंसर गोज टू डी। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई जो आपको दिया गया है, वाई एक्सिस इज द अप्रोचिंग एक्सिस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल एक्सिस कौन सी है यहां पर, वाई, क्योंकि वाई न्यूक्लियस से पास हो रही है, इसलिए हमारे लिए मॉलिक्यूल एक्सिस कौन सी है, वाई। अब आप ही बताइए आगे क्या पूछा रहा है, जा रहा है, देन विच ऑफ द सेट ऑफ ऑर्बिट कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन जनरल। तो जनरल वो ही हमारे लिए बनेगा जिसमें वाई ना हो, तो क्या पीजेड पीजेड बना सकता है, हाँ पीजेड पीजेड बना सकता है, पीएक्स पीएक्स बना सकता है, हाँ, पीएक्स पीवाई बना सकता है, नहीं, ये तो बनाएगा ही नहीं। क्या पीजेड पीवाई बनाएगा, वो भी नहीं। क्या पीजेड पीएक्स बनाएगा, नहीं। हमेशा पाई बॉन्ड जब भी बनता है वो सेम एक्सेस वाले ऑर्बिटल में बनता है, एक्स एक्स या वाई वाई या जेड जेड। चलिए यहां मैंने एक और ऑप्शन दे दिया होता, ये वाई वाई कर दिया होता तो भी नहीं बनता, नहीं बनता, क्योंकि वाई एक्सेस मॉलिकुलर एक्सेस है और यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है मॉलिकुलर एक्सेस पे, तब भी आंसर गलत होता। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आर रेस्पेक्टिवली। तो हम इसको कैसे देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स बाय फॉर्म टू एटम्स आर रेस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं, तीन, और पाई बॉन्ड कितने बन सकते हैं, दो। कार्बन कार्बन कार्बन, ये देखिए कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तीन, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, तीन एक्सेस हैं, तीन से ज्यादा वैसे ही नहीं बनेंगे, एक एक्स पे, एक वाई पे और एक जेड पर, समझ में आ रहा है। अगर एक्स मॉलिकुलर एक्सेस है तो उस पे सिग्मा, बाकी दो पे पाई, जिसपे दो, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट सीओ ले लो, आप कोई भी ले लो, तीन से ज्यादा बॉन्ड आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहे। आप N2 ले लो, CO ले लो, आपको मैक्सिमम थ्री दिखाई देंगे या इससे कम दिखाई देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ओवरलैप कैन नॉट प्रोवाइड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ओवरलैप कैन नॉट प्रोवाइड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को देखते हैं हम, क्या 3D और 2B के बीच में पाई बॉन्ड बनता है, हाँ, मेरे नोट्स में भी था आपके,
ये देखिए ये पाई बॉन्ड बन चुका है, हाँ या ना, ये 3D है और ये हमारे लिए क्या है, 2P है। दूसरा 2P 3P, क्या 2P 3P पाई बॉन्ड बनेगा? कैन नॉट प्रोवाइड ओवरलैप, कैन नॉट प्रोवाइड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। 2P 3P में बनेगा, हाँ 2P 3P, तो ये तो सब बनेंगे, कहाँ नहीं बनेगा? एस ऑर्बिटल नाम सुनते ही आप दिमाग में लगा दीजिए कि एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, तो आंसर क्या जाएगा, एस। हमने आराम से पढ़ा था, याद भी करिए कि एस बॉन्ड में अगर आप चाहो पाई बॉन्ड बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह का पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपने मेरी थ्योरी पढ़ी है तो बिल्कुल सही है, और हम बार बार बोलते हैं कि एस फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड्स इन एन टू एंड सीओ। आप मानते हैं ना सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, एक, और पाई बॉन्ड कितने होंगे, दो, तो रेशियो क्या रहेगा दोनों में ही, एन टू और सीओ दोनों एक जैसे ही है मॉलिकल, तो सेम रेशियो रहेगा, यानी 1/2 1/2, एक सिग्मा दो पाई, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, एक सिग्मा दो पाई, तो इनका रेशियो क्या रहेगा, 1/2, हाँ या ना, करिए इसको मेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड, यानी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो एस सिर्फ सिग्मा बनाएगा, और एस जहां जहां एस आएगा वो सिर्फ सिग्मा बनाएगा। पी और डी ये सब क्या बना सकते हैं, ये सिग्मा पाई दोनों बना सकते हैं, तो नहीं ये पूरे आपके मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन वन, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। पैराग्राफ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन द केमिकल कंपाउंड्स, दिस बॉन्ड हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जीज एसोसिएटेड विद देम, दिस बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद एटम्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, ठीक है ये अलग बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, तो सिग्मा बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है, फिर पाई की होती है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो आंसर यहां पर ए जाएगा। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड से शेप डिसाइड नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो न्यूक्लियस से अटैच वाले बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा, और न्यूक्लियस की पोजीशन को ही हम शेप बोलते हैं, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करते हैं, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, और जो सिग्मा बॉन्ड हो ही है हमारे पास मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस की पोजीशन डिसाइड करेंगे, तो इसका आंसर जाएगा सिग्मा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड्स इज थर्मली लीस्ट स्टेबल, देखिए डाउन द ग्रुप जाने पर आपके लिए ओवरलैपिंग क्या होती जा रही है, यहां पर हो रही है 1s और ये p वाला फॉर्मेट चेंज होता जा रहा है, तो सबसे यहां पर तो है 1s 2p, फिर यहां पर है 1s 3p 1s 4p और ये है 1s 5p। आप जानते हैं p जितना बड़ा होगा इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैपिंग उतनी कम होगी, तो सबसे लेस स्टेबल ये होगा, तो बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, भले ही वो ऑक्सीजन फैमिली हो भले ही वो नाइट्रोजन फैमिली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, देखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन वाटर, तो बहुत आसानी से आप बोल सकते हो कि आयन में सबसे ज्यादा बड़ा आयन कौन है, आपको लगेगा लिथियम सबसे छोटा है, लेकिन पानी में डालने पे ये सबसे बड़ा हो जाता है क्योंकि हाइड्रेटेड हो जाता है, तो लिथियम को जब आप पानी में डालते हैं
तो ये जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा हो जाता है, और जो जितना बड़ा होता है, जैसे सीजियम बड़ा है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो पाता है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। ये आपके पास लिथियम है, इस पे बहुत सारे ऑक्सीजन इस तरह से अटैच हैं क्योंकि ये एक पावरफुल मैग्नेट है, और मैग्नेट के ऊपर अगर कुछ आल्पिन लगे हुए हैं और मैग्नेट बहुत पावरफुल है तो वो आल्पिन भी मैग्नेट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इस पे H2O अटैच बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ये सब H2O है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अब आप देखिए सबसे बड़ा कौन है, लिथियम, और सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर सीजियम। किसमें, पानी में, वाटर में। तो जैसे साइज छोटी होगी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आयनिक मोबिलिटी का क्यू, ए का आंसर क्यू। डी के बारे में बात करते हैं, सॉरी बी के बारे में बात करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, बिल्कुल सही है, बी के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो ये एक तरह से पीरियोडिक का हो गया, तो आप आराम से कर सकते हैं कि यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर बी के लिए सेलेनियम सबसे बड़ा, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ऊपर जा रहे हो साइज बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीजन से फ्लोरीन में डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एस। नेक्स्ट, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये भी तो साइज इस जगह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, नहीं, यहां पर वाटर के अंदर था, और बिना वाटर के अगर हम बात करेंगे, विदाउट वाटर, यहां पर वाटर दिया ही नहीं है, तो आप विदाउट वाटर में लिथियम सबसे छोटा हो जाएगा, लिथियम प्लस। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी आप ही जानते हैं, अल्कली मेटल का कम, पी ब्लॉक का ज्यादा होता है, और मैग्नीशियम सिलिकॉन, यानी हम अगर यहां बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास आयनिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पीरियोडिक टेबल का बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, और जब भी आपको एल्कली मेटल मिले तो उनकी किसी भी और मेटल से कम होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हो आप, यहां पर सोडियम बिल्कुल आपके पीरियोडिक टेबल में कहां पर है, लेफ्ट में, तो आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर सबसे कम होगी, ठीक है। चलिए ये एक और हमें करना है, देखिए ये है स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं सेकंड यहां पर, ठीक है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ एनायनिक पार्ट ऑफ PBr5 इन क्रिस्टलाइन स्टेट। आप जानते हैं मेरे नोट्स में भी है कि PBr5 जो है होगा वो PBr6 PBr5 जो होगा वो PBr4+ और Br- पे आएगा, और एक सिंगल एटम पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी लगाते ही पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पे है, तो ये तो खत्म, तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंगल इन कैटाइनिक स्पीशीज ऑफ PCl5 और PBr5, तो कैटाइनिक स्पीशीज क्या होगा, एक तो PBr4 हो गया और एक PCl4+, दोनों पे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उनका डिफरेंस कितना होगा, जीरो, दोनों ही, बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों का 109 डिग्री 28 मिनट है, तो डिफरेंस जीरो रहा है, तो आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, ऑल पॉसिबल बॉन्ड एंगल इन एनायनिक पार्ट ऑफ PCl5, PCl5 जो का एनायनिक पार्ट है वो इस तरह से है, दो PCl5, PCl4+ और PCl6-, तो बताइए PCl6- क्या होगा, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल कितना है इसमें, बॉन्ड एंगल होंगे एक तो 180 जो आपको यहां दिखाई दे रहा है और एक 90, तो दो ही तरह के एंगल है, बाकी तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो आंसर क्या जाएगा, बी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ XeO3F2 मॉलिक्यूल इज, XeO3F2, फिर भी मैं बता देता हूं आप
जीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आठ। दो इस ऑक्सीजन ने दिए, दो इस ऑक्सीजन ने, दो इस ऑक्सीजन ने, एक फ्लोरीन ने खा लिया। अब कितने बचे? दोनों फ्लोरीन, जीरो। क्या लग रहा है? एक दो तीन चार पांच, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी थ्री डी और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो आप एसपी थ्री डी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, आंसर क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टीई एफ फाइव माइनस एक्सी एफ टू आई थ्री प्लस एक्सी एफ फोर पी सी एल थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट डिपेंड्स डज नॉट डिस्क्राइब टू एनी ऑफ द अबव स्पीशीज। यानी आसान भाषा में कि कौन सी शेप आपको नहीं मिल रही है यहां। तो सबसे बताइए, सबसे पहले टीई ऑल डिस्टाइल से टीपो ऑक्सीजन फैमिली, कितने इलेक्ट्रॉन है? छह। पांच गए, कितने बचे? एक। और ये माइनस की वजह से कितने हो गए? दो। एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, पांच बॉन्ड पेयर, एसपी थ्री डी टू। तो एक लोन पेयर की वजह से स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल में यानी यानी कि आपको ए आंसर तो मिल गया। नेक्स्ट एक्सी एफ टू, एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन होगा, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आई थ्री माइनस एक्सी एफ टू, ये सब लीनियर होते हैं, तो यानी ये भी हमारे को मिल चुका है। थर्ड आई थ्री प्लस बैंड शेप होती है, बैंड कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। नेक्स्ट एक्सी एफ फोर स्क्वायर प्लेनर होता है, एसपी थ्री डी टू स्क्वायर प्लेनर आपको मिल गया। तो जब तीन चीजें मिल रही है तब तो आंसर बचा यही, ट्राइगोनल प्लेनर आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। पीसीएल थ्री पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, प्लेनर तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी। लिखे इसको। इसी के अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन भी है, सेवन हो गया ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने आपको शुरू से बताया कि क्या बताया कि एसपी थ्री डी टू में तीन लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करते, और यहां कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एसपी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन है और तीन बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर, तो तीन बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर, तो पता है ये कैसा हो जाएगा? वैसे तो ये होता है ये, लेकिन तीन लोन पेयर होने की वजह से आप मान लीजिए एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, और एक आपने कहां लगा दिया? यहां लगा दिया। हाईली अनस्टेबल है रिपल्शन की वजह से, तो यही आपका आंसर जाएगा, बाकी सब पॉसिबल है। क्या तीन लोन पेयर किस किस में पॉसिबल है? क्या एसपी थ्री डी में पॉसिबल है? हाँ, एसपी थ्री डी टू में नहीं पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज इज हैविंग डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम शेप, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होना चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। तो मेरा आंसर यहां पर सी जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए, यहां पर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन है और यहां पर sp3 है और दोनों ही बेंट है, तो सेम शेप है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नाइन्थ, CH4, CH2, F2 आर हैविंग रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मुझे तो रेगुलर तब लगता है जब सराउंडिंग एटम सारे क्या हो? सेम हो, तो फॉल्स हो गया। बोथ आर हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन, सही है, तो फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू, तो आंसर क्या होता है? दस। एट वाले में एक और आंसर दिया है तो देखते हैं, आई सी एल टू माइनस क्या है? ये भी एक्स सी एफ टू जैसा ही है, लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन ये किसकी वजह से? एसपी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, जबकि ये किसकी वजह से? एसपी थ्री डी की वजह से, तो हाँ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम शेप, तो इसका आंसर डी भी जाएगा, सही कह रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ को देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज द मैक्सिमम
ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपाउंड दिस 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 ये दे रखा है, हम तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री इज मोस्ट लाइकली टू नॉट फॉर्म फ्रॉम sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंटर एटम. देखो टेट्राडल ही नहीं मिलेगा. सबसे पहले स्क्वायर सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिलता है, फिर उसके बाद सीसॉ मिलता है, फिर उसके बाद टी शेप मिलता है, और उसके बाद लीनियर मिलता है. बस एक ही है जो नहीं मिल रहा है आपको. समझ में आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी, हम देखते हैं कि किस तरह से हमें देखना है. नेक्स्ट, द ऑर्बिटल इज नॉट पार्टिसिपेट इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. मैंने बताया था sp3d2 में हाइब्रिडाइजेशन में एक तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होता है और एक डी जेड स्क्वायर भी होता है. ठीक है, पी एक्स होता है हाँ, पी वाई होता है हाँ, और ये नहीं होता एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स. डी के दो ही होते हैं, डी जेड स्क्वायर भी होता है. ठीक है, आगे नेक्स्ट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर एट एंगल क्रॉस टू वन अदर, द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन. यानी सारे एंगल एक जैसे हो ऐसा किसके लिए? क्या इसमें सारे 120 होते हैं? हाँ नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं. हाँ, एक्स का मतलब सेम एंगल, इसमें 120 होते हैं हाँ, इसमें 180 होते हैं हाँ, इसमें दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो 180 और एक 90 डिग्री भी. तो मेरे लिए आंसर क्या जाएगा? सी. समझ में आ गया? ये एक और असाइनमेंट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. इनकी स्ट्रक्चर हमें बनानी है और बहुत आसानी से बनाते हैं हम. सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है आपके पास? तीन. माइनस चार्ज कितना है? दो. तो यानी दो ऑक्सीजन तो माइनस वाली है जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगी, बाकी की बची एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से. सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? छह में से कितने गए? चार बचे, दो एक लोन पे है. अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जाए sp3 पिरामिडल, मैं सही हूं? sp3 पिरामिडल, H2SO4, H2SO4 तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं. दो OH, सल्फर के पास छह इलेक्ट्रॉन, छह के छह खत्म, बचे जीरो, लोन पेयर जीरो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल. IO3 माइनस, कितने ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा? एक पे, बाकी की डबल बॉन्ड से जुड़ेगी. सात थे, पांच गए, बचे दो. IO3 माइनस है यहां पर. ठीक है, तो अब बताइए लोन पेयर एक है तो क्या हो जाएगा? ये sp3 पिरामिडल. बोलो यस और नो. I2O5 को आप कैसे देखोगे? आयोडीन, दो आयोडीन है, बीच में एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ. सात थे, पांच गए, बचे दो, एक लोन पेयर. तो हर एक आयोडीन पे इंडिविजुअली आप निकालना चाहो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, और कौन सा होगा? पिरामिडल. यह है I2O5, C3O2 यानी कार्बन सब ऑक्साइड. कैसे देखते हैं कार्बन सब ऑक्साइड को? तीन कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो हर कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर. कंप्लीट मॉलिक्यूल लीनियर होगा. हाँ बेटा, बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, कंप्लीट मॉलिक्यूल लीनियर है. कभी भी पूछा जा सकता है ये तो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीनियर, तो उसमें ये आंसर सही होगा. नेक्स्ट, XeO3, क्या लगता है जीनोन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? आठ, दो गए, फिर दो गए, फिर दो गए, बचे कितने हैं? लोन पेयर एक, sp3 पिरामिडल. CN2, CN ये हो गया CN और ये हो गया एक और CN.
हर कार्बन पे एसपी हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, हाँ या ना? नेक्स्ट XeOF4, जीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, दो गए, एक और गया, एक और गया, एक और गया, एक और गया, बचे दो। क्या लग रहा है? एक दो तीन चार पांच छह हो गया सब कुछ, एक दो तीन चार पांच। sp3d CSO ClO4 माइनस क्लोरेट, क्या लग रहा है आपको? Cl O माइनस, Cl से O माइनस, बाकी के ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक लोन नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, नाइन्थ हो गया आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, NO2 माइनस, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, एक गया, दो गए, अभी भी एक लोन है, बैंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सही है। इस तरफ देखो आप, NO3 माइनस, O माइनस एक कोऑर्डिनेट, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, Na2S4O6, Na सोडियम, सोडियम हमेशा आयनिक बनाता है, इसको अलग ही रखिएगा। तो पहले सल्फर कितने हैं आपके पास? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 6, कितने ऑक्सीजन है? 6। तो कुछ इस तरह से बनता है, ऑक्सीजन हमेशा टर्मिनल एटम को दो, अभी भी दो बचे, O माइनस, बस बीच वालों को ऑक्सीजन तब देंगे जब अब आगे बचती बची नहीं है, 6 ऑक्सीजन खत्म हो गए। तो अब आप, आपके पास क्या आएगा यहां पर? Na+, Na+, यहां लाइन नहीं खींच सकते Na+ और O- क्योंकि आयनिक है, सही है। Cl2O, हाँ बेटा, ये दोनों S नॉर्मल है, ऑक्सीजन ही नहीं है तो मैं क्या कहां से दूं आपको? कितनी ऑक्सीजन थी? हाँ तो बचेगा, आपको जरूरत है तो बता दो, ये रहे ये दो। तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, ये होगा बेंट, ये बेंट, और यहां क्या होगा? यहां पर भी sp3 पिरामिडल, यहां पर भी sp3 पिरामिडल, तो इस शेप में या इस स्ट्रक्चर में दो सल्फर पिरामिडल होगी और दो सल्फर बैंड होगी। Cl2O बहुत आसानी से बोल सकते हो, ऑक्सीजन Cl, Cl, दो लोन पेयर है, जो जनरली कम होता है वही सेंटर एटम होता है, ये कम है, ये सेंटर एटम है, बैंड शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ क्लियर है। Cl2O7, बहुत सारे ऑक्सीजन है, हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा, देखते हैं, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, अभी भी ऑक्सीजन मिल बच रही है। क्लोरीन के पास 7 वैलेंसी होती है मैक्सिमम, 7 तो यूज हो गई, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, पिरामिडल या टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल होगा। ClO3 माइनस, Cl के पास कितने हैं? 7, एक गया, दो गए, दो गए, एक लोन पेयर अभी भी रहेगा, sp3 पिरामिडल, हाँ या ना? sp3 पिरामिडल,
H2O7 minus 2 sulfur. सल्फर है आपके पास, ये सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है, बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली एक तो आएगा ही, एक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कितने हैं माइनस टू, तो एक ओ माइनस इसको दे दीजिए, एक ओ माइनस इसको दे दीजिए, पंद्रह, अपन बहुत आगे चले गए, ठीक है ना। चलो पहले तो ये समझ में आ गया, 15 16 कैसे देखेंगे, P4 ये अलग ही स्ट्रक्चर है, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, पी 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 और साइक्लिक होता है ये, लोन पेयर है, हाईली अनस्टेबल है, क्या बोलोगे इस जगह, पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर है और 10, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, sp3 और पिरामिडल, p4o6, आपने p बनाया, थोड़ा सा इसमें और डेवलपमेंट करेंगे, हर एक बॉन्ड में एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, लेकिन क्योंकि लोन पेयर अभी भी रहेगा तो बताओ ये क्या बन जाएगा, sp3 पिरामिडल, पहले भी पिरामिडल था, अब भी sp3 पिरामिडल ही रहेगा। हाँ अगर p4o10 होता तो आप क्या करते, जितने भी ऑक्सीजन है उनको क्या करते, डबल बॉन्ड दे देते, तो बस अंतर क्या होता, इसके अंदर p4o10 में sp3 टेट्राहेड्रल हो जाता। तो यहां से यहां चेंज होने पर क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, नहीं, क्या शेप चेंज हुई, नहीं, लेकिन यहां से यहां चेंज होने पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, नहीं, शेप चेंज हुई, हाँ। POCl3 फास्फोरस डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल सी एल, क्या लग रहा है आपको, वही sp3 टेट्राहेड्रल, O2F2 बिल्कुल वैसा ही है जैसे H2O2 होता है, ऑक्सीजन सेंटर एटम में F F डाइमर है ये, ठीक है। तो बताइए ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है ना, sp3 बैंड और उस पे भी यही रहेगा sp3 बैंड, S3O9 सल्फर, तीन सल्फर लगा दीजिए इस तरह से, सल्फर 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 ओ ओ ओ और बाकी के डबल बॉन्ड से, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 टेट्राहेड्रल, सही है, तीनों सल्फर पे सेम रहेगा, N2O5 दो नाइट्रोजन है बीच में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, पांच वैलेंसी शो नहीं कर सकता ये, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही शो करेंगे, 1 2 3 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, पोटेशियम बाइकार्बोनेट यानी KHCO3, KHCO3 तो आप कैसे बनाएंगे, के प्लस को अलग रखेंगे, एच सी ओ थ्री माइनस को अलग रखेंगे, कार्बन है एक ऑक्सीजन पे माइनस, बाकी एक ओ एच एक डबल बॉन्ड ओ और यहाँ के प्लस, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 1 2 3 ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है।
पोटेशियम लिख, ऑक्सीजन माइनस है उस तरफ लिख दो, आयन है तो कहीं पे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रैकेट बना के अलग भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, Ca+2, ये कैल्शियम और कार्बाइड। हाँ, और कार्बन में माइनस यानी कि वो क्या बन चुका है, नाइट्रोजन। परोक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, हमने कल भी इसको करा था स्ट्रक्चर्स, परोक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, मिलता जुलता ही है। फास्फोरस, फास्फोरस कितने एच एच, चार, तो एक ओ एच इसको, एक ओ एच इसको, दो इसको मिल गए तो दो इसको भी दे दीजिए। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब कितने बच रहे हैं, अभी भी दो बच रहे हैं, तो बीच में ही आएंगे अब, तो बीच में परोक्सी बॉन्ड भी बनेगा, इसलिए परोक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड बोल रहे हैं। अगर एक ही ऑक्सीजन होता तो क्या बोलते, डाई परोक्सी एसिड बोलते, तो डाई फॉस्फोरिक एसिड तो बोलेंगे अपन, परोक्सी नहीं बोलेंगे, डाई फॉस्फोरिक एसिड हम बोल देंगे अगर एक ही ऑक्सीजन रहता तो। फिर इसके दो नाम हो जाते, O7 होता तो डाई फॉस्फोरिक एसिड भी चल सकता था, पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी चल सकता था। हाइपोनाइट्रस एसिड, ये बहुत ध्यान रखना, ये डाइमर है नाइट्रस एसिड का, OH नाइट्रोजन OH, इसकी दो फॉर्म होगी सिस और ट्रांस, मैंने सिस बनाई है। ओलियम, ओलियम यानी यहां पर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होगा या डाई सल्फ्यूरिक एसिड होगा, आप आराम से बना सकते हैं। तो सल्फर है, एक ओ एच यहां दिया, एक ओ एच यहां दिया, बाकी तीन ऑक्सीजन जा चुके हैं, ये हो गए आपके पूरे सात ऑक्सीजन। मार्शल एसिड्स यानी मार्शल एसिड हमारे लिए क्या है, परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी हो गया, एक और ऑक्सीजन बीच में अटैच कर दो, मार्शल एसिड हो जाएगा, क्योंकि और कहीं नहीं अटैच कर सकते अब आप। दोनों ही कंडीशन में सल्फर पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 पिरामिडल, sp3 पिरामिडल, sp3 पिरामिडल, sp3 पिरामिडल, sp2। कारोस एसिड H2SO4, ये होता है H2SO4, लेकिन कारोस एसिड पे एक ऑक्सीजन और ज्यादा होता है, तो हम परोक्सी हो गया, इसको हम परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ये उसका कॉमन नेम है, याद कर लीजिए। ये एक और असाइनमेंट है जिसमें हमें कहा जा रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको स्ट्रक्चर बतानी है इन कंपाउंड के बारे में, मैं साथ में इन्वॉल्व कर रहा हूँ सेंटर एटम जो भी है उस पर हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। तो N2H4, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, तीन, एक एफ इसको दिया, एक इसको दिया, एक एफ इसको दिया, एक एफ इसको दिया, तो बचा कितना, एक। क्या लग रहा है आपको हाइब्रिडाइजेशन, sp3 पिरामिडल, दोनों का सेम होगा, सिमेट्री है, तीन बोन पेयर एक लोन पेयर, सही है। CO कोई हाइब्रिडाइजेशन बताना नहीं है, ऑक्सीजन पे प्लस लगाओ, कार्बन पे माइनस लगाओ, कार्बन प्लस यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस यानी कि नाइट्रोजन, N2 जैसा दिखेगा आपको, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, एक सिग्मा दो पाई, N2O3 बहुत आसानी से आप बता सकते हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक इसको दिया, अब एक इसको और दे दिया, बची नहीं, ठीक है,
तो क्या दोनों ही नाइट्रोजन पे सेम हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ, कौन सा है? sp2 sp2, लेकिन अंतर क्या है? बेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ओजोन, ये है ओजोन। सेंटर ऑक्सीजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 बेंट, SiO2 सॉलिड होता है, नेटवर्क बॉन्डिंग होती है जैसे डायमंड होता है ना, वैसे ही। तो आप यहां ऐसा नहीं कर पाएंगे, हटा रहा हूं मैं। क्लियर है? जब आप SiO2 को बनाते हो तो बच्चों के दिमाग में CO2 की तरह आता है कि सर हम CO2 को ऐसा बनाते हैं तो सिलिकॉन को भी ऐसा बना देते हैं। नहीं होता, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन सा है? 2p 2p, जबकि ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन सा है? 2p 3p, जो कि अनस्टेबल है। ये पाई बॉन्ड टूट जाता है तो उससे क्या बनता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, पूरा अलग नेटवर्क हो जाता है। ये वाला बॉन्ड टूटते ही इधर गया, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, बाकी ये हो गया, ये है आपका। और ऐसी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर एक दूसरे से नेटवर्क बॉन्डिंग से जुड़ी होती है, इसलिए पॉलीमर रहता है SiO2 का स्ट्रक्चर। यानी उसके बाद सिलिकॉन, फिर बिल्कुल कंटिन्यू आप जोड़ सकते हो। अगर आपको जोड़ना ही है तो मैं जोड़ देता हूं, SiO, फिर Si, फिर O, फिर Si, फिर O और फिर डॉट डॉट, इधर भी O डॉट डॉट डॉट, इधर O Si O डॉट डॉट O डॉट 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 O डॉट 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 O Si। तो ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा, समझ में आ रहा है? नेटवर्क इस तरह से बनाना है आपको। बना लिया। I3- लीनियर होता है, तीन लोन पेयर। sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन लीनियर, नेगेटिव चार्ज ये रहा सेंटर एटम पर। HClO4 कैसा दिखेगा आपको? HClO4, HClO4, OH, एक OH आ गया, बाकी के ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं हम इसको। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, इजी है। CaCN2, CaCN2, CA पे +2 चार्ज, CN2 पे -2 चार्ज। तो किस तरह से बनेगा? ये बन जाएगा बिल्कुल CO2 की तरह, 2 माइनस हो गए, ब्रैकेट बनाओ और CA+2 को अलग ही रख दो, आगे लिख दो पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, कैल्शियम पे कितना चार्ज है? +2, तो CN2 पे क्या आ जाएगा? -2। और ऑल तो ये न्यूट्रल है ना, CaCN2। ठीक है, CuSO4.5H2O अपने आप में एक अलग कंपाउंड है, ये यहां का है ही नहीं, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का है, टॉपिक ही चेंज है, लेकिन क्योंकि अब आ गया है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। कैसे देखते हैं कॉपर सल्फेट को? CU, कितने H2 आए? 5, 1 2 3 4, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं कॉपर पे +2, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है H2। और सल्फेट आयन तो बाहर हो गई, SO4-2।
ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। कॉपर सल्फेट में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? पांच नहीं, चार है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में आपको चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखेगा, कोवलेंट भी दिखेगा, सब दिख रहा है आपको, सिग्मा दिख रहा है, पाई दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये रहा एक कोऑर्डिनेट, दो तीन चार, ये चारों दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट कॉपर के साथ, मेटल के साथ चार है। P4S10 बना सकते हैं आप, फास्फोरस है, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस और सल्फर, यहां सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, P4O10 की तरह। I3+ बैंड शेप का होगा, प्लस है तो 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, दो गए, चार बचे, लोन पेयर में ले लिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बैंड। RbIO2, RB यानी कि सोडियम पोटेशियम रूबिडियम, वो वाला RB है, IO2, IO2 ये OP माइनस, फिर भी ऑक्सीजन बच रहा है एक, यहाँ RB प्लस जुड़ा हुआ है, सात इलेक्ट्रॉन है, तीन गए, चार बचे, दो लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बैंड, सही है। CH2PO2, H2PO2 और सीजियम, सीजियम पे प्लस तो है, यानी कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन पे माइनस होगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस हो गया। और कितने हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन है, अभी दो है और एक और ऑक्सीजन है, तो ये डबल बॉन्ड ओ एच एच, एक दो तीन चार पांच, बिल्कुल सही है, sp3 टेट्राहेड्रल। हाँ बेटा, ओ माइनस लूंगा ना मैं, क्योंकि सीजियम प्लस है, सुनना, सीजियम पे प्लस है तो किसी पे तो माइनस होगा, माइनस किस पे लगाओगे, हाइड्रोजन पे या ऑक्सीजन पे या फास्फोरस पे? ऑक्सीजन पे, जब ऑक्सीजन पे माइनस लगाओगे तो उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, एक, तो एक रहेगी तो उससे हाइड्रोजन जुड़ेगा क्या? नहीं ना, दो ऑक्सीजन है, तो हमने पहले भी बताया था कि अगर मैंने ये हाइड्रोजन यहां जोड़ा, ठीक है, तो प्रोटॉन शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि इसका लोन पेयर काफी आसानी से दे देगा, तो फास्फोरस में हमेशा लोन पेयर प्रोटॉन शिफ्टिंग हो जाती है और हम ऑक्सीजन से नहीं जोड़ पाते, अगर इसकी जगह सल्फर होता है या नाइट्रोजन होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, अपन ने पढ़ा है फास्फोरस के केस में। NiO3 माइनस आयोडीन, O माइनस बाकी के डबल बॉन्ड से, ये Na, अभी भी एक लोन पेयर होने की गुंजाइश है क्योंकि सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp3 पिरामिडल, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? अमोनियम साइनेट NH4+ O पे माइनस, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, O पे माइनस मत लगाओ, N पे माइनस लगा दो, क्योंकि ऑक्सीजन बनाना है N को, अगर O पे माइनस लगाओगे तो वो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी, बात एक ही है, हाँ या ना, तो दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप किसी पे भी लगा सकते हो। 15 हो गए, H2S2O4 बहुत सिंपल सा है, जितने भी सल्फर हैं वो एक दूसरे से अटैच कर दो और देख लो बाकी के कितने ऑक्सीजन है, सल्फर सल्फर कितने हो गए, चार, और OH ये OH, यहां प्रोटॉन शिफ्टिंग नहीं होगी उसकी, फास्फोरस के केस में ही होती है, कितने और ऑक्सीजन बच रहे हैं अभी, दो और,
ये लो, क्या और ऑक्सीजन बच रहे हैं? नहीं, तो यही बनेगा और कुछ। sp3 पिरामिड, क्योंकि एक लोन पेयर है, दोनों पे सेम ही रहेगा। NaHSO3, NaHSO3 सोडियम प्लस आ गया, बाइसल्फाइट यानी एक OH है अभी भी, और एक OP माइनस, और एक डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर, sp3 पिरामिड। H2PO3 माइनस, यानी एक OP तो माइनस है, डबल बॉन्ड O, अब डबल बॉन्ड O करता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, मुझे OH लेना ही पड़ेगा और एक H, पांच वैलेंसी से ज्यादा फास्फोरस की ला नहीं सकता डब। हाँ बेटा, अब लोन पेयर नहीं है ना उसके पास, एक ही होता तो क्यों नहीं कराता मैं, लेकिन एक ही है, देख लो आप, फास्फोरस के पास पांच वैलेंसी होती तो लोन पेयर कितने होते हैं, अब जीरो, तीन वैलेंसी थी तब करा सकते थे, देखा जाए तो ये बनाने के बाद ये। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसे बनाता सब में, देखो ये रहा, समझना, ये हो गई ना प्रोटोन शिफ्टिंग, होके ही तो बनाया मैंने, डायरेक्ट बना दिया, सही है, लेकिन एक ही हो पाएगा, दोनों नहीं हो पाएंगे, कराया मैंने प्रोटॉन शिफ्टिंग लेकिन सिर्फ एक ही जगह, H2P2O5-2 कितने फास्फोरस है, दो, ओ माइनस, ये ओ माइनस, ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, अब कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन अभी भी बच रहा है और दो हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, पांच वैलेंसी हो गई, बिल्कुल सही हो गया, और कोई पॉसिबल है ही नहीं। डाइथायोनेट आयन एस एस, छह ऑक्सीजन है, बहुत बढ़िया, तीन इसको मिल गए, तीन इसको मिल गए, ओ माइनस, ओ माइनस, छह वैलेंसी भी आ गई। ट्राइथायोनेट आयन, एक सल्फर और है बीच में लगा दो, थायोनाइल क्लोराइड, सल्फर है, डबल बॉन्ड ओ, सीएल सीएल, एक लोन पेयर अभी भी आएगा, हाइब्रिडाइजेशन अब आप खुद निकाल लीजिए। सल्फ्यूरी क्लोराइड, सल्फ्यूरी क्लोराइड, तो ये सीएल सीएल, बस ओएच की जगह है सीएल सीएल, सल्फ्यूरी क्लोराइड। नेक्स्ट पायरोफॉस्फोरिक एसिड, कितने फास्फोरस है, दो, बीच में एक ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे, बाकी चार हैं, तो OH 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 OH, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सात ऑक्सीजन है आ गए, पायरो फॉस्फोरिक एसिड P4H4P2O7, सही है। कौन सा है हमारे लिए, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HMPO3, तो पी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH लेना पड़ेगा, कोई और प्रोटॉन ही नहीं है, बस प्रोटॉन शिफ्टिंग हो सकती है, बैलेंस ही हो गई तो लोन पेयर ही नहीं है, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। मेटाफॉस्फोरिक एसिड परोक्सी फॉस्फोरिक एसिड पी परोक्सी, तो यानी एक ओ ओ एच तो हो गई, बाकी ओ एच
OH और अभी भी ऑक्सीजन है, एक दो तीन चार पांच, प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी क्या? नहीं, लोन पेयर ही नहीं है फास्फोरस में, सही है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3 पिरामिडल, यहां कहीं कोई दिख रहा है आपको लोन पेयर? नहीं, sp3 ट्राइगोनल प्लेनर, परोक्सी फास्फोरिक एसिड हमने कर लिया। अमोनियम फॉस्फाइट, अमोनियम फॉस्फाइट NH4+, अमोनियम फॉस्फाइट यह है HPO3-। अमोनियम फॉस्फाइट है ये नेमिंग, आप मेरे आयंस की नेमिंग में पढ़ेंगे। फॉस्फाइट यानी दो ऑक्सीजन पे माइनस है, एक ये है और एक डबल बॉन्ड है, ये अमोनियम फॉस्फाइट का। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है PO4-3, लेकिन हाइड्रोजन बोला है, या सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट PO4 बस, तो यहां Na2HPO4 होगा, फॉस्फेट है ना, हाइड्रोजन फॉस्फेट 8 फॉस्फोरिक एसिड से बनेगा, तो यहां Na फॉस्फोरस देखते हैं, ओ माइनस, एक ये ओ माइनस, यहां Na प्लस, यहां Na प्लस, और अभी भी इसका एक हाइड्रोजन एसिडिक है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। ये एक फॉस्फेट होता तो PO4-3 होता, तो तीन सोडियम लगाता, लेकिन तीन में से एक रह गया तो हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, तो बाकी के हाइड्रोजन निकल चुके, इसका मतलब Na कितने होंगे ऑटोमेटिकली 2। अमोनियम फॉस्फाइट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन येलो, एक और हाइड्रोजन आ गया, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहां पर एक सोडियम, ये हो गया सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस पायरोफॉस्फेट। तो पहले तो पायरोफॉस्फेट बनाओ, कैसा होता है पायरोफॉस्फेट? इस तरह का होता है, OH 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 और डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये तो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा था हमारा? सोडियम डाइहाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट, तो एक हाइड्रोजन इधर छोड़ दीजिए, यहां माइनस, एक इस तरफ से छोड़ दीजिए, तो दो हाइड्रोजन छोड़ना जरूरी था, सिमेट्रिकल रूल लगा दिया, तो एक इस तरफ और उसकी जगह सोडियम प्लस, खत्म। तो ये हो जाएगा सोडियम पायरो सोडियम डाइहाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन इसलिए मैंने दो हाइड्रोजन छोड़ दिए, बाकी के हाइड्रोजन जो एसिडिक है उनको सोडियम से रिप्लेस कर दिया। हाँ बना लीजिए, इस एक्सरसाइज को करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है हमारे। एज्यूमिंग प्योर 2s एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आर यूज इन फॉर्मिंग CH4, इसका मतलब कौन सी थ्योरी लगाने को बोल रहा है, जल्दी से बोलो। VBT, VBT थ्योरी में ही एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होते हैं, और वेस्पर थ्योरी में हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और MOT में मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो CH4 मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कौन सा है? 3 CH बॉन्ड विल बी राइट एंगल, बिल्कुल सही है। आप जानते हो कार्बन के अंदर अगर मिथेन की बात करें, तो आपने मेरी थ्योरी पढ़ी है, ये एक PX है, एक PY है, और एक क्या है PZ है, इससे जो बॉन्ड बनेंगे, ये दूसरा कौन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल लाएगा S, तो ये SPY बॉन्ड कहलाएगा, ये SPZ कहलाएगा, ये SPX कहलाएगा, तो ये तीन तो क्या होंगे 90 डिग्री पे, और एक बॉन्ड की पोजीशन सही नहीं होगी, तो CH बॉन्ड्स विल बी एट राइट एंगल, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, लेकिन वो हमसे गलत पूछ रहा है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। 1 CH बॉन्ड विल बी वीकर देन अदर 3 बॉन्ड, बिल्कुल, जो SS बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा, क्योंकि पता है कौन सा बनेगा, एक एक 2S और 3S के बीच, नहीं 1S और 2S के बीच में बनने वाला बॉन्ड होगा, वो बहुत ज्यादा वीक होगा, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए आंसर गलत होगा हमारे लिए, वो गलत पूछ रहा है।
द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल, नहीं कैसी होगी ये तो एस मतलब वो तो हाइब्रिडाइजेशन से निकलती है टेट्राहेड्रल, ये तो किस तरह का होगा, एक तरह का इस तरह का शेप होगा, अलग ही तरह का कुछ, बिल्कुल ये 90 डिग्री, तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ये आंसर सही है। द एंगल ऑफ सी एच बॉन्ड फॉर्म बाय एस एस ओवरलैपिंग विल बी अनसर्टेन विद रेस्पेक्ट टू अदर थ्री, बिल्कुल, यानी एस एस ओवरलैपिंग तो वैसे भी आप जानते हो नॉन डायरेक्शनल होती है, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो बॉन्ड एंगल डिसाइड कर सकते हो क्या आप? नहीं, नहीं कर सकते, वो कहां होगा नहीं मालूम। देखिए ये एटम है कार्बन का एस, और ये बाकी के तीन बॉन्ड है, तो ये जो हो रहा है कार्बन का 2s, अब 1s हाइड्रोजन का यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, तो क्या पोजीशन क्लियर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर गलत है। थ्री कंपाउंड MX4 इज टेट्राहेड्रल, थ्री नहीं, द कंपाउंड MX4 इज टेट्राहेड्रल, द नंबर ऑफ एक्स एम एक्स एंगल इन द कंपाउंड, आपको मालूम है 109 डिग्री 28 होता है, और कितने होते हैं 6, 6 कैसे होते हैं आपको अच्छे से मालूम है कि टेट्राहेड्रल में ये कितना होता है, 1 2 3, तीन एंगल तो ये हो गए, और 4 5 और ये 6, ये तीनों एंगल एक दूसरे के साथ कितने होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, तो कितने हो गए टोटल 6, तो यहां आंसर क्या जाएगा डी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या आंसर आएगा ये जल्दी से बताओ इसका, सी, बिल्कुल सही है, आपसे हो गया ये, तो चलिए P4 P4O6 P4O10 हैव हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो जो आपसे हो गया वो बता दीजिए आप बाकी को। चलिए फिफ्थ, पहले सीक्वेंस से चलेंगे हम, फिफ्थ का आंसर आपसे हो गया, फिफ्थ के अंदर कौन सा आंसर आएगा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन देयर सेंट्रल एटम, तो क्या आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्सी ओ सिक्स कौन सा वाला, ये एक्सी ओ सिक्स 4- है वो, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा आप कितने लोन पेयर होंगे, ओपे कितना है -4, यानी ये O- 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 चार पे ओ माइनस, बाकी के डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो 2 2 4 6 7 8 9 सॉरी 2 2 4 5 6 7 8, हाँ तो बताइए ऑक्सीजन, तो कितने लोन पेयर होंगे इसमें 0, तो लोन पेयर सेंटर एटम पे कितने आ रहे हैं 0। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है, N-1 नंबर ऑफ एस एस बॉन्ड लिंकेज, मैं आपको बता चुका हूं एन नोट्स का ही क्वेश्चन है, और ये पॉली वो क्या कहलाता है, पॉलीथायोनिक एसिड है, और नोट्स के अंदर आप देख सकते हैं N-1, मैंने लिखाया भी है आपको पॉइंट्स अलग से लिखाया। नेक्स्ट 7 का आंसर क्या जाएगा, सी। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बहुत अच्छा है, ये भी नोट्स के अंदर लिखाया था मैंने कि F2 की बॉन्ड एनर्जी स्पेशली अलग ही होती है, बॉन्ड एनर्जी द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट नहीं, रॉन्ग, तो करेक्ट क्या होता है इसके लिए, करेक्ट होता है Cl2 सबसे ज्यादा, फिर Br2, फिर F2 और फिर Cl2, F2 की बॉन्ड एनर्जी Cl2 से कम होती है, लेकिन Br2 से भी कम होती है, I2 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, I2 आएगा, तो क्या समझ में आ गया, तो इसका गलत स्टेटमेंट है ये, है ना, तो ये मैं लिखा चुका हूं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8 को बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, ClO3 दिख ही रहा है, ClO3-, तो एक डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, एक लोन पेयर आएगा, आगे BrO3 Br आएगा, यहां पर भी O- O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, और अगला है आयोडीन, O- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां लोन पेयर, तो अब एक बार बताइए पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सेंटर एटम चेंज हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर सेंटर एटम की वजह से बिल्कुल बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है, बोलो यस और नो, तो सबसे
ज्यादा किसका होगा? सीएल का, और फिर आयोडीन। याद हो तो इस एग्जाम्पल को मैंने कराया था इस एग्जाम्पल के साथ, H2O, H2S, H2SE, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? कम होता है सिमेट्री, वो बाकी सेम है सारे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर, सेंटर एटम डाउन द ग्रुप जाने पर अगर बड़ा हो रहा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बॉन्ड एंगल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, तो 9th क्वेश्चन को देखो आप जल्दी से, हो गया? इसके आंसर्स चेक करो आप, यही आ रहे हैं आपके? 9th नंबर कहां पर है, दिख गया आपको? आंसर टिक करो आप। इसका क्या है? क्यू आर, इसका पी क्यू आर एस, क्यू एस और पी क्यू आर एस डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बन गया आपसे? 10th बना या नहीं बना? चलिए ठीक है, नहीं बना। व्हेन NH3 एंड BF3 देन एडिशंस कंपाउंड फॉर्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एडिशंस कंपाउंड। तो आप ही बताइए, नाइट्रोजन का जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है, क्लास नोट्स में था, फालतू पूछ रहे हो, NH3 है, BF3 है, इसने एक लोन पेयर दिया, तो बताइए यहां पर पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था शुरुआत में? NH3 SP3, अब क्या है? SP3। पहले शेप क्या था? टेट्रा पिरामिडल या टेट्रा पिरामिडल, अब टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम चेंजेस, कहां चेंज हुआ? पहले भी SP3 था, अब भी SP3 है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक ही मिल गया और सिंगल चॉइस है हमारे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एटम चेंज, बिल्कुल सही है, पहले SP2 था, बाद में क्या हो जाएगा? SP3। अब अपने नोट्स को नहीं पढ़ते क्या? SP2 था और अब क्या हो जाएगा? SP3। पूरा कराया हुआ है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड कंटेन लीस्ट बॉन्ड एंगल, सेम पहले वाला, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, तो आंसर क्या जाएगा? SBH3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HNH बॉन्ड एंगल दिस दिस दिस। अब बताइए इसके अंदर लोन पेयर सबसे ज्यादा है या नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है, लोन पेयर बढ़ने के साथ ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम। तो सबसे कम किस में होगा? इसी में। तो और सबसे इसके अंदर दो लोन पेयर है, इसमें एक है, और अमोनियम में कितने होते हैं? जीरो। तो यहां पर सबसे ज्यादा अमोनियम में होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, और इसमें ये तो H2 की तरह हो गया, ऑलमोस्ट H2 की तरह हो गया, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? वही H2 वाला 104, और ये अमोनिया है 107 के समथिंग, और ये 104.5 आसपास होगा, क्योंकि प्रॉपर ये H2 ही तो बन गया। नाइट्रोजन माइनस क्या होता है? ऑक्सीजन। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आ गया समझ में? नेक्स्ट ऑल दिख रहा है? नाउ नेक्स्ट एक और डीपीपी कर रहे हैं हम, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम विल चेंज व्हेन, HCBO3 मेरे ये लिए हो गया बी, बिल्कुल। यहां पर कौन सा था? SP2 था, और अब क्या हो जाएगा? SP3। OH आते ही, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होने चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर हो गया बी, बोलो थर्ड का हो गया कौन सा? डी, बिल्कुल सही है। कोई डाउट किसी को? फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो अब आगे एक मिनट सिक्वेंस में चलो, फोर्थ डाउट है किसी को? फोर्थ का आंसर आ गया बी, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम बोरेक्स, Na2B4O5OH4, बोरेक्स स्ट्रक्चर। देखो कैसे बनता है, कितनी यूनिट है बोरोन की? यहां पर चार, ये बोरोन की चार यूनिट है। अब बताइए कितने ऑक्सीजन है? बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो जितने भी ऑक्सीजन है, पांच ऑक्सीजन है, तो हर एक को बीच बीच में दे दो, और एक बीच में यहां दे दो, दे दिया, हर एक को OH दे दो, क्योंकि OH भी हमारे पास बहुत है, चार OH है। अब बताइए
क्या बोरोन की चार वैलेंसी हो सकती है? नहीं, तो नहीं हो सकती, तो क्या लगाओगे? माइनस, कार्बन बना दो और ये भी कार्बन बना दो। तो कार्बन बनाओगे तो इसके साथ कौन सा अटैच होगा? माइनस एन ए प्लस। तो आ गया यस और नो? तो ये है बोरेक्स का। तो मेरे को बताओ जल्दी से, बोरेक्स के अंदर कितनी यूनिट है बोरोन की? चार, जिसमें से टेट्राहेड्रल कितनी है? दो। स्क्वायर टेट्राहेड्रल दिख रही है ना, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। ट्रायंगुलर प्लेनर कितनी यूनिट है? दो है, खत्म बात। तो ये आपके पास हो गया बोरेक्स, हाँ या ना? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड है हमारे क्रिस्टल वाटर फॉर्मेट में। तो ये बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप आराम से थोड़ी सी मेहनत करते तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर पहले भी बना चुके। चलिए अब आपसे क्या पूछा रहा था, टू ट्राइगोनल ट्राइगुलर और टू टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही है, टू ट्रायंगुलर और टू टेट्राहेड्रल, बस सही है। आगे टेट्रासाइनो मीथेन, बहुत सिंपल है, मीथेन देखते हो, साइनो सीएन अटैच कर दो, सीएन अटैच कर दो, तब क्या पूछ रहा है? ये है टेट्रासाइनो मीथेन, बताइए इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? हर एक सीएन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, पाई बॉन्ड कितने हैं? आठ। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? दो दो चार आठ। तो बताइए सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो क्या रहेगा यहां पर? वन। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? दो सिग्मा दो पाई, तो ए और बी में बराबर होंगे। बेंजीन अलग है, बेंजीन और ब्यूटाडाइन कर सकते हो आप, तो आंसर क्या जाएगा इसका? आगरा। क्वेश्चन नंबर 7, द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज लोकेटेड इन, इथीन को पहले बनाओ, ये रहा इथीन, ये इथीन हो गया आपके पास, दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो ये एक पाई बॉन्ड इस तरह होगा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो मॉलिकुलर प्लेन में होगा, उसके ऊपर और नीचे होगा, तो ये ऊपर नीचे को मैं डॉटेड कर देता हूं, हाँ या ना? तो अब बताइए द मॉलिकुलर प्लेन, ऑब्वियसली मॉलिकुलर प्लेन उसके लिए क्या होगा? नोडल प्लेन, क्योंकि यहां पर मॉलिकुलर प्लेन में कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा? सिग्मा, और ये सिग्मा जहां होता है वहां पाई क्या होता है? जीरो। तो पाई के लिए नोडल प्लेन पूछ रहा है, तो पाई के लिए नोडल प्लेन कहां होगा? जहां सिग्मा परपेंडिकुलर में होगा पाई बॉन्ड के, तो यही तो है परपेंडिकुलर, मॉलिकुलर प्लेन पाई बॉन्ड के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर ही तो होता है, पाई बॉन्ड ऊपर नीचे, सुनना पहले, तो पाई बॉन्ड ऊपर नीचे, मॉलिकुलर प्लेन इस तरह से, तो क्या पाई बॉन्ड के लिए मॉलिकुलर प्लेन क्या होगा? परपेंडिकुलर है, सी ऑप्शन देखते हैं। प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल, अरे प्लेन है ये, उसके परपेंडिकुलर हो गया, तो वो तो वापिस पाई बॉन्ड ही हो गया, समझ में आ रही है बात? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और समझाना है क्या? क्वेश्चन नंबर 7, अरे ए और सी के अंदर ये डिफरेंस है कि ए ये कह रहा है ये पाई बॉन्ड आ गया पक्का, ये है मॉलिकुलर प्लेन, तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो ये नोडल प्लेन नहीं है, यहां सबसे कम, ये नोडल प्लेन है। तो मॉलिक्यूल प्लेन पाई बॉन्ड के लिए क्या है? नोडल प्लेन है। अब मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया? वहां तो ऑर्बिटल ही अवेलेबल है, तो वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो वहां नोडल प्लेन थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो एंटी नोड कहलाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, आंसर क्या जा रहा है इसका? सी, कोई डाउट नहीं है, SnCl2। अरे बहुत आसान है, काशी गए संत प्रभु, यानी कार्बन ग्रुप का है, तो ये SnCl Cl एक ही लोन पे रहेगा, काशी गए संत प्रभु, चार इलेक्ट्रॉन है, तो अब बताइए आप क्या होगा? बैंड शेप दिख रहा है मेरे को, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंगुलर भी तो बोल सकते हैं बैंड शेप को, तो एंगल दिख रहा है, तो और बैंड भी इसको बोलते हैं, वी भी इसको बोलते हैं,
तीनों नाम एक ही तो है, और भी कोई नाम बनाना चाहो तो वो आप देख लो। तो एंगुलर हो गया, बेंट हो गया, वी शेप हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, क्या आंसर जाएगा इसका? बी वाला, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या जा रहा है? बी। नाइट्रोजन इसके अंदर देख लेते हैं, क्या पूछा था? ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब। नाइट्रोजन एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड थ्री ऑफ द वैकेंसी बीइंग ऑक्यूपाइड थ्री हाइड्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन अमोनिया, बिल्कुल सही है। तो कहां दिक्कत है? नाइट्रोजन सी को समझते हैं। नाइट्रोजन एट द सेंटर ऑफ द इक्विटोरियल इक्विट्रायंगल ट्रायंगल, यानी वो तो ये हो गया बस, ट्रायगोनल प्लेनर है ही नहीं ऐसा कुछ। हमें क्या पढ़ना है यहां पर? टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन ऐसे होता है, टेट्राहेड्रल और ट्रायंगल में अंतर है। ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ये क्या होगा? नॉन प्लेनर है, टेट्राहेड्रन नॉन प्लेनर होता है। चलिए ठीक, लिख लीजिए इसका आंसर, बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर क्या जा रहा है? पायरोफॉस्फाइट आयन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कंटेन एसएस लिंकेज? पायरोफॉस्फाइट, पायरोसल्फाइट। एक मिनट मैं सारे स्ट्रक्चर बना देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कंटेन एसएस लिंकेज? तो ये हो गया पायरोसल्फाइट आयन, ठीक है। आयन भी है हमारे पास, पायरोसल्फेट नहीं होगा, पायरोक्सी डाई सल्फेट आयन नहीं होगा, पायरोक्सी मोनोसल्फेट आयन नहीं होगा, किसी में नहीं होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा? ए। और इसका आंसर क्या जाएगा? ए का पी क्यू आर एस, क्यू एस आर एस पी क्यू। अच्छे समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो, कुछ पूछना है इसमें? नहीं। नेक्स्ट, फर्स्ट बिटते ही फाइंड द मॉलिकुलर विच इज प्लेनर एंड पोलर। प्लेनर एंड पोलर कैसे करेंगे? ये देखो बी थ्री एन थ्री एस सिक्स, इसको देखो। चलिए फाइंड द मॉलिकुलर विच इज प्लेनर एंड पोलर। तो ये तो देखो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, आप जानते हो, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बेंजीन तो वैसे ही, और यहां सब जगह हाइड्रोजन, बोराजोल, ठीक है ना, इसका कॉमन नेम, या इनऑर्गेनिक बेंजीन। कैसी होगी, प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर तो है लेकिन पोलर नहीं है, नॉन पोलर। तो ये प्लेनर है लेकिन नॉन पोलर है, ये नॉन, एक दो तीन चार प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, पोलर नहीं है, ये भी नॉन पोलर है। इधर देख लो, बी आर एफ थ्री, बी आर एफ टू सी एल, बी आर एफ एफ सी एल, और यहां लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है? दो, पक्का। ट्राइगोनल क्या शेप होगी इसकी? टी शेप, टी शेप होगी, पक्का। बी आर, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर। तो ये प्लेनर है, हाँ प्लेनर भी है और पोलर भी है, बिल्कुल है। जबकि ये वाली, ये क्या है? ये एक तरह से ओलीन जैसा ही है, ओलीन, और इस वजह से ये क्या है? नॉन प्लेनर। तो आपका आंसर क्या जाएगा? सी, सी फॉर दिस, चेन्नई। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। बताइए जल्दी से, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पर सी एच टू एस के अंदर आपके लिए क्या है? इन बॉन्डिंग डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग पेयर। डायपोल मोमेंट हमारे लिए एच टू का ज्यादा होगा, नो डाउट, लेकिन दिया क्या है? एच टू एस, तो आंसर बी। और कोई डाउट? एन एच थ्री एन एफ थ्री में, अच्छा
एक मिनट ये भी देख लेते हैं, NH3 और NF3 में NH3 का ज्यादा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ध्यान से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें ये। तो NF F F F लोन पेयर, ये लोन पेयर का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर, और फ्लोरीन का कहाँ होगा? नीचे। तो नेट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ1 - μ2, जो कि कम होगी। लोन पेयर का डायपोल मोमेंट हमेशा लोन पेयर के डायरेक्शन में होता है, जबकि यहां पर क्या होगा? ये ऊपर की तरफ होगा और ये भी ऊपर की तरफ होंगे। तो म्यू नेट की वैल्यू क्या होगी? μ1 + μ2। तो μ1 + μ2 होने की वजह से NH3 का ज्यादा होगा NF3 से, पक्का? तो ये तो सही है, और हमसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट। सही है लेकिन इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसलिए गलत है। समझ में आ रहा है? हमारे लिए जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कम होता है। तो ये सही है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। SF4 का ज्यादा होता है SiF4 से, बिल्कुल सही है। ये तो रेगुलर टेट्राहेड्रल है और ये पोलर, बिल्कुल सही है, लेकिन इसलिए आंसर गलत है। SF4 क्या है? सीसो, जबकि SiO4 क्या है? टेट्राहेड्रल। तो ये तो नॉन पोलर है। तो अब आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कैसे बन रहे हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहे हो आप, आंसर क्या जाएगा? डी। कौन पूछ रहा? बी और चलिए बी में पहले देखते हैं मॉलिक्यूल क्या है। फोर है मॉलिक्यूल Am(A)2Ln, वेयर ए नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, एल इंडिकेट लोन पेयर एंड एन नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। एम इज सेंट्रल एटम, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो भी है। द पॉसिबल रेंज ऑफ एन इज, भाई मेरे लिए एन की पॉसिबल रेंज क्या होगी? पॉसिबल, मान लीजिए एन की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? एन की वैल्यू, मान लीजिए एन की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? 0 होती है ये गायब हो गए। Ma2, Ma2 का कौन सा एग्जांपल आपको याद आ रहा है? BeCl2, बिल्कुल हाँ, हो सकती है। समझ में आ रहा है? एन की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ, तो 0 हो सकती है। तो अब हमारे लिए दो ऑप्शन तो कट गए, 0 तो चलने दो अभी, ठीक है ना? क्योंकि जैसे ही BeCl2 हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है, पक्का? और यस और नो, पक्का? अब एन की वैल्यू क्या डालना चाहते हो आप? 1 ला सकते हो, 1 लाते ही एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर। आज ही मैंने बताया था SnCl2, क्या ये एन की वैल्यू 1 हो सकती है? हाँ या ना? हो सकती है। एन की वैल्यू एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, दिख ही रहा है, एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तो SnCl2 यानी 1 भी हो सकती है। 2 हो सकती है क्या? देखते हैं। 2, 2 कैसे? Ma2 यानी दो लोन पेयर, यानी 4 और 2 6, SF2, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, क्या हो सकता है? SF2 बनता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब SF2 भी है, पॉसिबल है। आगे 3, यानी 3 लोन पेयर होते कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6, और दो बॉन्ड पेयर की वजह से 8। तो इसका एग्जांपल कौन सा होगा? XeF2। क्या 3 भी पॉसिबल है? हाँ। अब 4 कर दो, 4 का मतलब 8 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 लोन पेयर का मतलब 8, और फिर दो बॉन्ड पेयर, 10 इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, सिर्फ डी जाएगा। 3 लोन पेयर का मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, और 2 तो वैसे ही हो गए 8। अब इसके अंदर कितने हो जाएंगे? उसमें 8 है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 तो पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप करो इसको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीओ बॉन्ड्स इन दिस कितने होंगे? 6, P2O6 - 4 है वो, पी पी ध्यान से देखिएगा, O- 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 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये है आपके लिए P2O6, 4-। क्या आपको रेजोनेंस नहीं दिखाई दे रहा? हाँ। तो ये सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये तीनों बराबर होंगे, ये भी तीनों बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, तो आंसर क्या होगा? 6। यस और नो, क्लियर है?
तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ का आंसर कराना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा? जीरो डी। द नंबर ऑफ एच एटम्स रिप्लेस फ्रॉम बोरिक एसिड, बोरिक एसिड व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर। भाई बोरिक एसिड एक भी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करता, कौन करता है? वाटर करता है। आप फिर ध्यान से सुनिएगा, HCBO3 प्लस H2O की रिएक्शन कराएंगे तो H4BO4 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा? H+। तो ये H+ कहां से निकल रहा है? वाटर से, बोरिक एसिड से, तो जीरो ही निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आंसर क्या जाएगा? सी। इन इट एक्ट एट एज व्हाट काइंड ऑफ एसिड इन वाटर? लुईस एसिड ये। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कॉज्ड बाय 2D लेयर स्ट्रक्चर? तो आंसर है स्लिपी नेचर। स्लिपी नेचर होने का इससे पता चल रहा है कि ये भैया 2D है, ग्रेफाइट की तरह है, बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह, क्योंकि स्लिपी नेचर इसका मतलब एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लिप कर सकती है, यानी कि ये प्लेनर है मॉलिक्यूल। इसीलिए बोरिक एसिड को अपन यूज करते हैं कैरम पाउडर में भी, काफी स्लिपिंग होता है, तो सॉलिड फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, दो स्टेटमेंट है। क्या है ये स्टेटमेंट? डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O इज मोर देन OF2। बोलो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। H2O आपको अच्छे से मालूम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O इज मोर देन OF2। तो पहले तो यहां देखिए कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है, 2.1, और यहां पर कितना है? 3.5। कितना डिफरेंस है जल्दी से बोले? 1.4। फ्लोरीन की बहुत ज्यादा होने का भी नुकसान है, क्यों? क्योंकि 3.5 और ये कितना है? 4.0। डिफरेंस कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिव? 1.5, सिर्फ 0.5। तो किसमें डिफरेंस ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, खत्म बात। फर्स्ट टू है इन H2O रिजल्टेंट बॉन्ड OH बॉन्ड पेयर मोमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आंसर सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका रीजन। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है, आंसर ए आ रहा है, नोट्स में देख लेना आप, ठीक है। दस का पायरोसल्फेट, बिल्कुल आप कर सकते हो दस। अच्छा एक मिनट, ये गलत चला गया, हाँ अब सही है। दस क्या आएगा? एलीन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या एलीन नॉन पोलर है? हाँ बिल्कुल सही है। सेकेंड, एलीन इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर है और नॉन पोलर भी है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। नेक्स्ट इसके आंसर क्या जाएंगे? PRS, इसका आंसर क्या जाएगा? PS, इसका आंसर क्या जाएगा? PRS, और इसका आंसर जाएगा PQRS। प्रूव दैट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस एंड दिस आर सेम। अरे ऑर्थो मेटा पेरा, अब प्रूव कैसे करें हम? एक तो हमारे लिए ये है, चलिए ये CL आ गया, और एक है हमारे लिए CL, और मेटा पे CL है, इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 120। मान लीजिए इसकी वैल्यू म्यू है, तो 120 पे अगर दो म्यू कम करेंगे तो रिजल्टेंट म्यू ही रहेगा, बोलो यस और नो? तो ये भी वही डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा जो यहां हो रहा है, कुछ समझ में आया? क्योंकि बीच में एंगल कितना है इसके अंदर? 120। हाँ अगर ये एंगल 60 या 180 होता तो फिर बराबर नहीं होता, यानी ऑर्थो और पेरा के केस में नहीं होता। तो ये चीज क्लियर हो गई आपके पास। ये देखिए एक और बहुत अच्छा DPP है, और सारे के आंसर एक ही बात है, एक ही है, और सभी का आंसर एक है, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस, क्योंकि ये DPP हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बनाया हुआ है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हर बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, और हर एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर? 6। तो लिख लीजिए, ईच मॉलिक्यूल अटैच बाय 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विद अदर एंड जनरेट ए प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्लीपी स्ट्रक्चर।
planar slippy structure. Each molecule attached by 6 hydrogen bond to other atom, other molecule. Next, ये चीज क्लियर हो गई. Boiling point of ortho nitrophenol is less than meta and para nitrophenol. बिल्कुल सही है. Boiling point ortho nitrophenol is less than, ये ortho nitrophenol है. ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बोलो क्या O माइनस और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? हाँ. इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या फायदा हुआ? कि अच्छी खासी एनर्जी लिबरेट हो गई. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं. मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फायदा हुआ? नहीं. तो क्या इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा या कम हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ. लेकिन अगर यही नीचे होता तो आप खुद ही सोच लो. नेटवर्क बॉन्डिंग होती, इतनी एनर्जी लिबरेट नहीं होती जितनी वहां हुई है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है इंट्रा होने की वजह से. यहां इंटर होने की वजह से इतनी स्ट्रांग नहीं है. मत होने दो एनर्जी लिबरेट. लेकिन नेटवर्क बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. नाइट्रोफिनोल तो लगाओ, नाइट्रो तो लगा दो. अच्छा, इस जगह होता तो क्या होता? सेम होता, लेकिन कुछ इंटर हो जाती है इस कंडीशन में, कुछ इंट्रा हो जाती है, मिक्स रहता. तो सबसे ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? पेरा का, फिर मेटा का और फिर ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट. HF इज ओनली लिक्विड अमंग द हाइड्रोजन एसिड्स, एक्सप्लेन व्हाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. H2S गैस है, HBr गैस है, HI गैस है. पक्का? आप सोच रहे होंगे सर पानी में तो एसिड है. पानी में डालने के बाद वो एक्वास है, लिक्विड नहीं कहलाते वो. फिर वो क्या कहलाते हैं? एक्वास. तो HF अपने आप में क्या है? लिक्विड है. जबकि HCl अपने आप में क्या है? प्योर HCl गैस है. पानी में डालने के बाद वो एक्वास हो जाती है और फिर वो लिक्विड नहीं कहलाती है. इस जगह हम एक्वास ही बोलेंगे. अमोनिया इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन HCl, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? क्योंकि आइस के अंदर ड्यू टू बिग साइज ऑफ आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज्यादा फैली हुई होती है. और ये मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा जो भी है. तो इस कारण आइस वाटर में क्या होता है? फ्लोट करता है. वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ये सारे एक ही टॉपिक के आपको मालूम है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सबका आंसर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही लिखना है. HI इज स्ट्रॉन्गर हैलोजन एसिड वेयर एज HF इज वीकर, एक्सप्लेन वाई? HF में हर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ा होता है, तो इतनी आसानी से वो नहीं दे पाता है. तो HF अपने हैलोजन एसिड में काफी वीक है, जबकि बाकी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग. तो HF की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने के दो रीजन है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है. वुड पीसेज आर यूज टू होल्ड आइसक्रीम, Why? भाई मैं ना बाजार से आइसक्रीम खरीदने जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ आइसक्रीम में वुड पीस ही हो. क्यों? क्योंकि जो आइस से बनी होती है आइसक्रीम, वो आइस H2 होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो वुड पीस के अंदर जो सेलुलोज होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आइस क्या कहते हैं, वुड के साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है. जबकि अगर स्टील की रॉड लोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बर्फ सीधा पिघल के नीचे गिर जाएगी. समझ में आ रहा है? इसीलिए आप आइस ट्रेस किसकी बनाते हो? एल्यूमिनियम या स्टील की. कभी किसी ने लकड़ी की आइस ट्रे बनाई फ्रिज में डालने के लिए? निकलेंगे ही नहीं बर्फ, तोड़ने पड़ेंगे, बारीक बारीक पीस हो जाएंगे बिल्कुल ही. नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. KHF2 इज पॉसिबल बट KBr2 और KHI2 नॉट पॉसिबल. KHBr2 क्यों पॉसिबल नहीं है, KHF2 क्यों है? देखो KH, KF और HF को देखो, ये क्या बनाएगा? F माइनस HF. आप बताओ क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? हाँ या ना में जवाब दो. हाँ है. तो बस अगर ये बन गया तो ये पूरा इस तरह से बन जाएगा और K+. जबकि दूसरी तरफ Cl माइनस और HCl, क्या ये पॉसिबल है? नहीं. इसलिए जब भी आप KF को HF के साथ मिलाओगे तो आपको चार आयन नहीं मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 पानी में. आपको कितने आयन मिलेंगे? सिर्फ दो, एक ये
और एक ये है, समझ में आ रहा है? ऑर्थो नेक्स्ट, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज, देखो इज लेस सॉल्युबल इन एच टू देन पेरा नाइट्रोफिनोल, बिल्कुल। ऑर्थो में कौन सा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन कौन सी है, इंट्रा, तो ये वाटर के साथ इंटर बना पाएगा क्या, नहीं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, कम। नेक्स्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल पी पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज हाई हायर मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड, सॉलिड है क्यों, क्योंकि इसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि यहां पर क्या है, इंट्रा, खत्म। ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन इथेनॉल, इथेनॉल में एक ओएच है जबकि ग्लिसरॉल में कितने ओएच है, तीन, तो तीन ओएच है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कितने बन जाएंगे उसमें, तीन ओएच है, ओएच ओएच ओएच, एक ओएच दो बनाएगा, एक ऑक्सीजन लेगा और एक हाइड्रोजन लेगा, तो टोटल कितने बन जाएंगे, छह हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इथेनो ग्लिसरॉल में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो ज्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट 14, सी एच फोर एंड एच टू हैव नियरली सेम मॉलिकुलर वेट येट सी एच फोर हैज ए बॉइलिंग पॉइंट दिस और वाटर का बहुत ज्यादा है, क्यों, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई, सिंपल सा बात है। 15, 15 को देखो, द एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज जस्ट डबल देन थ्योरिटिकल मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि ये डाइमर बना लेता है ड्यू टू इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको मैंने कल भी बताया था सी एच सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ओ एच, यहां डबल बॉन्ड ओ रखो, यहां ओ एच रखो, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बोलो यस और नो, यहां इस तरह से। नेक्स्ट, ऑल्दो क्लोरीन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज नाइट्रोजन बट द फॉर्मर डज नॉट फॉर्म इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन, क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में साइज छोटी चाहिए आपको। और दूसरा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि क्लोरीन के लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर की देने की वजह से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है एक तरह से पोलरिटी में। लोन पेयर कौन सा है, क्लोरीन का 3p और फ्लोरीन का कौन सा है या नाइट्रोजन का कौन सा है 2p, तो कहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, 2p से, 2p से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी या इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होगी। मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन वाटर, क्यों है, क्यों, क्योंकि मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन वाटर, एसिटिक एसिड के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वेपर फॉर्म में वो डाइपर आराम से ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वाटर के कंपेयर में यहां पर एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन एसिडिक एसिड के लिए क्या रहेगी, कम होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है किसमें, एसिडिक एसिड में। नेक्स्ट, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज हायर देन एचएफ, वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज हायर देन एचएफ, हाउएवर एच बॉन्ड इन एचएफ इज हायर देन वाटर, एक्सप्लेन व्हाई, एचएफ में बॉन्ड भले ही हाई है लेकिन इसमें कितने बॉन्ड है, दो, जबकि H2O में वीक हो भले ही लेकिन कितने बॉन्ड है, चार, चार का नेट कंट्रीब्यूशन दो से ज्यादा हो जाता है उस, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, H2O का, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना देके आप क्या बोलो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O इज हाई,